तो एनसीईआरटी 2.1 के क्वेश्चंस देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. हमें कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर दिए हुए हैं और इनमें हमें पता करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. हमें गिवन है 4x² - 3x + 7. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y² + √2. तो यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है y, तो ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है. फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है 3√t + t√2. तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो एक ही वेरिएबल है t, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा. पर आंसर ये नहीं है, इट इज रॉन्ग. देखिए, जब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं 3t⁻¹, क्योंकि रूट को हम लिखते हैं 1/2, और ये हमें मिल गया t√2. ठीक है, तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं तो हम, मैंने आपको बताया कि जो पॉलिनोमियल का जो यहाँ पर पावर होता है, जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मतलब 0 से लेके ∞ तक के हमें नंबर्स मिलने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि पता है हमें कि होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होंगे उसके पावर हमें होल नंबर मिलने चाहिए. तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. तो अगर हमें रीजन देना होगा तब हम यही रीजन देंगे कि हियर पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है y + 2/y. तो इसे हम लिख सकते हैं y + 2y⁻¹. तो यहां पर भी y के पावर में -1 आ गया और -1 होल नंबर नहीं है. ओके, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल जब भी स्टडी करेंगे तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें जो हमें वेरिएबल क्वांटिटी गिवन है उसका पावर हमेशा होल नंबर होगा. मीन्स 0 से लेकर ∞ तक सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए, नेगेटिव नहीं मिलने चाहिए. इस तरह के फ्रैक्शन में नंबर नहीं मिलने चाहिए, हमें डेसिमल में नंबर नहीं मिलने चाहिए. ओके, फिर नेक्स्ट है x⁻¹ + y³ + t⁻¹⁰. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल्स हैं, वन एक्स है, सेकेंड वाई है, थर्ड टी है. तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया, ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया. ओके, तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म पर पता कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं. अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 + x² + x, तो यहाँ पर x² के साथ वेरिएबल है 1. तो इस कंडीशन पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमें मिल रहा है 1. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 2 - x² + x³. तो यहाँ पर भी अगर हम फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ x² तो ये हमें मिल रहा है -1, क्योंकि हम, मैंने आपको बताया था कि हमें विथ साइन इसे लेना है. फिर थर्ड है π/2 x² + x. तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, इट इज π/2.
फिर नेक्स्ट है रूट टू एक्स माइनस वन, तो हमें कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का लिखना है, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया और ये वैल्यू, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी, तो इस कंडीशन पर हमें कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का क्या मिल गया, जीरो। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन में उसके किसी भी टर्म का कोफिशियंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड हमें गिवन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन में, डिग्री 35 और डिग्री 100 के, डिग्री 35 और डिग्री 100 के हमें पॉलीनोमियल बनाने हैं, पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो डिग्री 35 का होगा वो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 वाला क्या होना चाहिए, मोनोमियल। अब ये दो टर्म क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, तो ये नया टर्म है बाइनोमियल, मतलब इसमें हमें टर्म्स कितने मिलने चाहिए, टू, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टू, और मोनोमियल क्या होता है जिसमें टर्म कितना होगा, केवल वन। बाइनोमियल अगर हम लिखेंगे तो दो टर्म होने चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं y टू द पावर 35 माइनस 3, तो ये मिल गया, हम कोई भी पॉलीनोमियल बना सकते हैं, तो ये हमें मिल गया y टू द पावर 35 माइनस 3। मोनोमियल लिखना है और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 2y टू द पावर 100, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 100 है और केवल वन टर्म है, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें गिवन है राइट द डिग्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, हमें यहाँ पर कुछ पॉलीनोमियल्स गिवन है जिनकी डिग्री लिखनी है, तो लिखते हैं। तो देखिए, हमें पॉलीनोमियल गिवन है 5x³ + 4x² + 7x, तो इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल है x और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की डिग्री हमें मिल जाएगी 3, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है सेकेंड हमें गिवन है 4 - y², तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हमें मिल गई 2। थर्ड गिवन है 5t + √3, तो यहाँ पर वेरिएबल t है और इसकी डिग्री हमें मिल रही है 1। फिर नेक्स्ट गिवन है 3, तो 3 एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल है और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो इस कंडीशन पर इसकी डिग्री हमें 0 मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट, हमें गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एस लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल में बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा हमें क्यूबिक मिल रहा है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री हमें 1 मिलती है तब हम उसे लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, तो देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशन में हमें पॉलीनोमियल की डिग्री 1 मिल रही है, तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर तो डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, ये वाला और ये वाला, ये दो क्वेश्चंस हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, तो लीनियर पॉलीनोमियल में हमें मिल गए 1+x और 3t, क्योंकि यहाँ पर इनकी डिग्री 1 है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए हमें देखना है कि किस पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है, तो यहाँ से जो फर्स्ट गिवन है x² - x, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक टाइप। फिर सेकेंड में तो डिग्री 3 है, थर्ड वाले में डिग्री अगेन 2 है, y + y² + 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। फिर r²
ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। तो ये जो थ्री हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये हमें मिल गए क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल में हमें लेने हैं जिनकी डिग्री थ्री हो। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी डिग्री हमें मिल रही है थ्री, तो ये मिल गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। फिर लास्ट 7x³, तो ये भी हमें मिल गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री की हेल्प से हम उसे लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी पॉलीनोमियल का हम जीरो किस तरह से स्टडी करते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल।